जब भी किसी की आशा और इच्छा भंग होती है तो उसका हृदय क्रोध से भर जाता है। जिस व्यक्ति को वो अपना अपराधी समझता है उसे दंड देने का प्रयत्न करता है। पर क्या हमारी इच्छा या आशा का भंग होना क्या सदा ही किसी का अपराध होता है? इच्छाओं के अपूर्ण रहने के तो कई कारण हो सकते हैं। कुछ तो संजोग के कारण अधूरी रह जाती हैं और कुछ नियति के कारण। और कभी कभी इच्छाओं का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो पूर्ण नहीं हो पाती। बिना परिस्थिति पर विचार किए किसी को अपराधी मान लेना न्याय नहीं, प्रतिशोध है। न्याय का आधार तो दया है, करुणा है, और प्रतिशोध का आधार क्रोध, अहंकार। अर्थात हृदय में करुणा धारण किए बिना किसी के अपराध के विषय में विचार करना, किसी को दंड देना, क्या अपने आप में ही अन्याय नहीं? स्वयं विचार कीजिए।